हेलो गाइस, वेलकम टू आवर वी फिटनेस स्पोर्ट यूट्यूब चैनल। आज अपन इस वीडियो में वेट लॉस के बारे में बात करने जा रहे हैं। कई सारे लोग वेट लॉस करने के लिए उनके लाइफस्टाइल को खराब करते जा रहे हैं। बहुत लोग वेट लॉस करने के लिए डाइटिंग, एक्सरसाइजिंग, रनिंग, सप्लीमेंटेशन और बहुत कुछ करते रहते हैं। ये सारे चीज़ करते वक्त भी वेट लॉस नहीं हुआ तो बहुत परेशान हो जाते हैं। और अक्सर लोग जो भी ये फॉलो करते हैं उन्हें ये पता नहीं रहता कि अच्छा हेल्दी फूड, हेल्दी लिविंग हैबिट से वेट कम होता है। और थोड़े लोग ऐसे रहते हैं कि खाना ही छोड़ देते हैं और कई बीमारियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। फर्स्ट थिंग इन योर वेट लॉस जर्नी यू हैव टू डू इज स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। आप खुद को एक्सेप्ट करो कि आप कैसे दिखते हो। लोगों के बातों में मत जाओ। लोग कहते हैं क्योंकि लोगों का काम ही कहना होता है। बी पेशेंट, कीप गोइंग, थिंग्स विल चेंज, यू विल चेंज, सब कुछ बदल जाएगा। आप बस मेहनत करते रहो, एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड। फूड्स दैट कैन हेल्प यू इन रिड्यूस योर वेट, ईट होल ग्रेन फूड्स। आप होल ग्रेन फूड्स खाना स्टार्ट करिए, जैसे कि वीट ब्रेड, वीट कुकीज, ओट मील्स। ये होल ग्रेन फूड्स आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और बहुत जल्दी डाइजेस्ट होने में हेल्प कर सकते हैं और आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रख सकते हैं। नो योर फूड, आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, ध्यान देकर खाइए। क्योंकि खाने के वक्त में आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, देखकर खाना चाहिए। क्योंकि आज के दुनिया में लोग खाने के वक्त भी फ़ोन यूज़ करते रहते हैं और कितना खा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते। आपके खाने को मेजर करके कहो, प्रोटीन कितना है, कार्ब्स कितने हैं, फैट्स कितने हैं। आपका बेसिक बॉडी फंक्शनिंग के लिए अनसैचुरेटेड फैट्स और एसेंशियल फैटी एसिड्स का होना डाइट में बहुत ज़रूरी है। इसलिए खाने के वक्त में ध्यान दियो। वाटर इज़ अ मेन गोल। वाटर वेट लॉस में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितना ज़्यादा पानी पिए तो उतना कम भूख लगता है। इसलिए लंच से पहले और डिनर से पहले पानी ज़्यादा पियो। Add veggies in your diet. Yes, आपके खाने में फाइबर ज़्यादा ऐड करो, क्योंकि सब्जी ज़्यादा खाने से आप स्टमक फुल फील करते हो और सब्जियों में कम कैलोरीज रहते हैं। ये वेट लॉस में बहुत ज़रूरी है। Use less salt. कम नमक यूज़ करो, क्योंकि सॉल्ट आपके बॉडी में वाटर को होल्ड करता है। इसके कारण ब्लड प्रेशर हाई रहता है और स्वेट ज़्यादा आता है। स्वेट ज़्यादा आया तो भूख लगना स्टार्ट हो जाता और आप फिर खाने लग जाते हो, वो आपके लिए करेक्ट नहीं है। चूज़ प्रोडक्ट्स विथ नो शुगर्स। नो शुगर फूड्स और शुगर्स को आपके डे टू डे लाइफ में कम करो, क्योंकि नो शुगर प्रोडक्ट्स के कैलोरीज कम होते हैं। शुगर्स आपके सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं है। शुगर्स के वजह से आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं और शुगर्स के साथ इंक्रीज ऑफ ओबेसिटी ज़्यादा रहता है और आपका इम्यून फंक्शन भी इफेक्ट होता है शुगर्स से। इसलिए शुगर्स को बहुत कम खाओ। आप खुद को मैनिपुलेट करो कि आप कम खाते हो, और ऐसा करते करते आप रोज़ आपका खाने का क्वांटिटी कम करते जाओ। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और डेली खाने का क्वांटिटी कम करने से आपका वेट लॉस गोल को जल्दी रीच कर पाते हो। लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एक्सरसाइज। वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको फैट लॉस करना है। तो आपको अब समझ में आया होगा कि ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप नेचुरली वेट लॉस कैसा कर सकते हो बिना किसी सप्लीमेंटेशन और फैट बर्नर्स की मदद से। फिटनेस टिप्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, वी फिटनेस स्पोर्ट। ये थे कुछ टिप्स। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। And we'll see you all in our next video. Keep supporting and subscribe our YouTube channel, V Fitness Sport. Thank you.